जय माता दी माँ दशमी, जय माता, रावण को खत्म करना और बेटा को पैदा करना, जय आशीर्वाद लेना चाहते हैं बस, जय माता की जय। गाइज, मैंने आपको पिछले ब्लॉग में दिखाया था बकरी बाजार और मारवाड़ी भवन का पूजा पंडाल, और इस ब्लॉग में मैं आपको घुमाने वाली हूँ मेन रोड, स्टेशन रोड, कोकर और रातू रोड के पूजा पंडाल। और अभी तो प्रयागराज जाने वाले रास्ते पर हूँ। गाइज, ऐसा कभी मेरा मूड नहीं था आज का व्लॉग बनाने का। जब सबको देखा व्हाट्सएप पे, सब लगा रहे थे कि अरे मैंने यहाँ घुमा, मैंने वहाँ घुमा, लाइक क्लासमेट एंड भी कुछ कुछ फैमिली मेम्बर्स। एंड आई थॉट कि क्यों ना चलो मैं भी बनाती हूँ व्लॉग्स। पंडाल लगा हुआ है, छोटा सा ये, हर साल आई थिंक बड़ा लगता था। और एक भैया जी ने कहा कि नाम बता दीजिए, इसलिए मैंने बोला चलो नाम भी बता देते, कोई दिक्कत नहीं है। ये है चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति की ओर से किया जा रहा है इसे। रॉयल अल्बोरा और सर्जना चौक मेरे पीछे, और मैं दिखाती हूँ यहाँ का पंडाल। अभी वहाँ पर साफ सफाई हो रही है क्योंकि आज कलश उठ जाएगा, इसीलिए। दोस्तों, ये कूड़ा कचरा जो इतना पड़ा हुआ है, इसे देख के पता चल रहा है कि कल कितनी भीड़ होगी इस साइड। अच्छा हुआ मैं नहीं आई यहाँ पर। सुबह क्या हाल है, लिटरली। मतलब ये वाला एरिया, ये लेन तो पूरा हड़ा बड़ा सही लग रहा है मुझे। और रांची में लाइक साइकिल चलाने का मजा ही कुछ और है। लोग कितने भी लाइक स्कूटी में घूमे, ऐसे स्कूटी मेरे पास है नहीं, रहती तो जरूर घूमती, बट जो भी कहूँ मजा बहुत आ रहा है। निकले थे, इट्स 8 o'clock नाउ एंड मैं एक घंटे में सारा से निपटा करके पहुंच चुकी हूँ स्टेशन रोड।
साइड इतना सन्नाटा है, पहली बार देख रही हूँ। पूरा रोड दूर दूर तक खाली है। रांची के काफी महंगे होटलों में से एक चाणक्य बीएनआर होटल। गाइस सारे लोग मेरे को ऐसे घूर रहे हैं जैसे कि मतलब आठवां अजूबा मैं ही हूँ इस दुनिया की। और सही बात भी है, इस तरह घूमूंगी तो लोग सोचेंगे ही। हद सन्नाटा है, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा सन्नाटा है। मेरी आवाज़ आप लोग को यदि क्लियरली सुनाई पड़ रही है तो आप समझ ही सकते हो। ट्रेन आ नहीं रही है न जा रही है, बस सन्नाटा ही सन्नाटा है। अभी मैं अंदर जा रही हूँ एंड ये देखो आप, बाहर में बड़ा बड़ा सा बोर्ड है, घर पर रहें सुरक्षित रहें। सही बात है, सुरक्षित रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गाइस अभी मैं हूँ रेलवे कॉलोनी वाले पंडाल के पास। यहाँ पर अभी पूजा हो रही है क्योंकि दशमी है तो कलश वगैरह उठाया जाएगा। और यहाँ का थीम मुझे सबसे प्यारा लगा, सोहराय आर्ट, जो कि झारखंड का आर्ट है, यहाँ का ट्राइबल आर्ट बेसिकली। उसी के थीम पर ये पूरा पंडाल बनाया गया है। और यहाँ पर थोड़ा सा गुजराती थीम था एंड इसके ऊपर लगाया गया था एक घूमने वाला अम्ब्रेला टाइप का। बट इस साल सिंपल करना था पूजा, इसलिए यहाँ पर अल्पना बनाई गई है, बहुत ही खूबसूरत। आप सोच रहे होंगे कि मैं क्यों सुबह में घूम रही हूँ, रात में क्यों नहीं घूमी, क्योंकि घूमने का मजा तो भाई रात को ही आता है ना। पहली बार दोस्तों यहाँ पर मेरा घर नहीं है, आई एम इन हॉस्टल। हॉस्टल में रह करके मैं क्या ही कर लूंगी, रात को अलाउड होता नहीं है बाहर जाना और रात को सेफ भी नहीं है क्योंकि अष्टमी नवमी को काफी भीड़ रही है यहाँ पर। सोचिए जब आज भी लोग आ रहे हैं घूमने के लिए तो उस टाइम कितना ज्यादा आ रहे होंगे, तो इट वॉज टोटली नॉट सेफ। एंड दिन में लोग सेफ है, ठीक है, मतलब कम रहेगा, और दसवीं का दिन है तो कितना ही भीड़ होगा। अब निकलती हूँ, जाती हूँ कोकर। अभी बहु बाजार जस्ट मैंने पार किया है। अभी तो पहुंच गई हूँ काटरडोली चौक, बट काफी ज्यादा थक गई हूँ मैं। कोकर तक जाने की हिम्मत नहीं है। अब यहाँ से मेरे को जाना होगा लालपुर, लालपुर से फिर मेरे को कोकर की तरफ जाना होगा। फिर काफी थकावट भरा दिन हो गया मेरे लिए। वो आंटी भी सोच रही है पता नहीं मैं क्यों क्या कर रही हूँ, किससे बातें कर रही हूँ। गाइस इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना मुझे मोटिवेट करने के लिए, एंड प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करो यार। मुझे पता है मैं ज्यादा कुछ नहीं दिखा पाई, बट जितना हो सका मैंने कोशिश की। फाइनली आई एम हियर। इतने ज्यादा साइकिल चलाने के बाद, पिछले बार ऑटो से आई थी तो बहुत कम दूरी लग रही थी, साइकिल चला के आने के बाद लगा बहुत बहुत ज्यादा दूर है। इस साल देख सकते हो छोटा ही पंडाल बना है। पिछले साल यहीं पे बना था, लाइक पहाड़ वाला जो था सीन एंड उसके ऊपर चल के जाने वाला थीम था, आई थिंक कैलाश पर्वत या फिर पता नहीं मानसरोवर कुछ तो बनाया गया, तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। यदि आपको याद होगा तो कमेंट सेक्शन में बताना। टोटली थर्मोकॉल से डेकोरेशन की गई है और प्लास्टिक से पूरा कवर अप किया गया है। तो गाइस जो भी था मैंने आपको दिखा दिया। गाइस हम लोग अपने लास्ट डेस्टिनेशन यानी कि रातू रोड के मंदिर के पास पहुंच चुके हैं। चलिए मैं आपको यहाँ अंदर जाकर दिखाती हूँ। यहाँ पर तो काफी खूबसूरती से सजाया गया था, पूरा बल्ब वगैरह लगे हुए हैं।
यदि कल रात को आई होती तो काफी अच्छा सीन होता, यहाँ का देखने को मिलता, बट कोई नहीं, अभी भी अच्छा ही लग रहा है क्योंकि लाइटिंग वगैरह मतलब जल नहीं रही है, बट सजी भी तो है और बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो दोस्तों बस आज के ब्लॉग में इतना ही था एंड आई होप आपको ये ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आया तो दोस्तों लाइक जरूर से करना, क्योंकि 3 घंटे मैंने साइकिल चलाया है सिर्फ इस ब्लॉग को कवर करने के लिए, 25 से 30 किलोमीटर मैंने राइड किया है। तो दोस्तों प्लीज को अप्रिसिएट करने के लिए सही लाइक जरूर से करना और दोस्तों के साथ प्लीज शेयर करो एंड देखती हूँ अगला ब्लॉग कब आता है, क्योंकि व्यूज तो भी अच्छे आ नहीं रहे हैं तो मन ही नहीं करता कि ब्लॉग बनाऊं, बट यदि इसमें अच्छा व्यूज आता है तो मैं आगे ब्लॉग लेकर आऊंगी। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, सब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।